हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 जून 2022। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए 20 बिगिल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हो आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम सावंत ने कहा कि बीच विजिल ऐप से समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों और पर्यटकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। चीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से वर्ष 2020 में जारी की गई चांद की सतह की तस्वीरों से ज्यादा उसके नक्शे में जानकारी है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन के नए नक्शे में खड्डे एवं ढांचे नजर आ रहे हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए। इससे चांद पर आगे अनुसंधान में सहायता मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? ऑप्शन ए मारुति सुजुकी, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी महिंद्रा समूह, ऑप्शन डी रिलायंस। देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है। कंपनी ने हाल ही में बयान में कहा कि कई इकाई से सालाना 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये कारखाने में सालाना 67,000 से अधिक कारों के उत्पादन के लिए बिजली की जरूरत को पूरा करने के बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मारुति सुजुकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 20 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 30 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 50 करोड़ रुपए। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत हर परियोजना की फंडिंग को जो है वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है। इससे देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित राशि का 1/4 हिस्सा निजी उद्योग, स्टार्टअप और अकादमियों के लिए निर्धारित किया गया था। मंत्रालय के अनुसार टीडीएफ के तहत बड़ी फंडिंग बजट घोषणा के अनुरूप है और ये रक्षा में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को बढ़ावा देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 50 करोड़ रुपए। इसको 10 से 10 करोड़, 40 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी स्मृति मंदना, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मिताली राज ने साल 2019 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। उन्होंने 89 T29 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2,364 रन बनाए, जो इस फॉर्मेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा है। वर्ष 1999 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू करने वाली मिताली राज की सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मिताली राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व प्रत्यायन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 9 जून, ऑप्शन डी 18 अगस्त। देखिए, हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला
प्रत्ययन सहयोग द्वारा शुरू की गई है। भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना जो है वो साल 1997 में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 9 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी। ऑप्शन ए 26,390 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 16,990 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 12,390 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है आपका 67,390 करोड़ रुपए। देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डैक ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कॉर्वेट की खरीद को भी मंजूरी दी। इसे 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना के लिए रफ टेरेन फॉक लिफ्ट ट्रक की खरीद के लिए मंजूरी दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 76,390 करोड़ रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 16 देश के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कौन से देश में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। देखिए, 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया गया है। लोमेडिक एलिफेंट अन्य सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है। खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति अभियान है। इसमें मंगोलियाई सशस्त्र बलों के 5 हिल्स पर्वतीय प्रशिक्षण क्षेत्र में एक संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन कमांड पोस्ट अभ्यास और संयुक्त राष्ट्रीय शांति स्थापना अभियान मिशन फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है। इस अभ्यास को शांति स्थापना क्षमताओं में सुधार, सैन्य उप संबंधों को मजबूत करने और सभी प्रतिभागियों की संयुक्त राष्ट्रीय सिद्धांत PKO क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ई कॉमर्स अमेज़न और कौन से राज्य सरकार ने 6 जून 2022 को राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोथैबी इम्पोरियम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मेघालय। देखिए, ई कॉमर्स अमेज़न को मणिपुर सरकार ने 6 जून 2022 को राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोथैबी इम्पोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही इस ऑनलाइन स्टोर के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल से राज्य के लगभग 3 लाख कारीगरों, बुनकरों और आदिवासी समुदाय के सदस्यों को लाभ होगा। हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय के संरक्षण में संचालित पोथैबी इम्पोरियम मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक हिस्सा है जो स्थानीय कारीगरों के विकास के लिए एक सरकारी उद्यम है। मणिपुर के अद्वितीय एवं दस्तकारी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला अब देश भर के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। Amazon.in पर पोथैबी इम्पोरियम के हाथ से बुने कपड़े, दस्तकारी टोपी, बैग, टेराकोटा उत्पाद एवं साथ ही कोना शिल्प शामिल है। मणिपुर की एक अद्वितीय हस्तकला जिसमें टोकरी, पर्स, बैग आदि बनाने के लिए कोना लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये सब जो है आपका Amazon.in में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो मणिपुर की जो ये सारे हैं, जैसे कि वो हाथ से बुने हुए कपड़े, दस्तकारी टोपी, बैग वगैरह, जो टेराकोटा वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे अमेज़न पे अवेलेबल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की है। ऑप्शन ई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी नागरिक विमानन मंत्रालय, ऑप्शन सी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। देखिए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु नीति 2022 लॉन्च की है। ये नीति निर्माताओं, एयर स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और बड़े पैमाने पर जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई है तथा बुनियादी ढांचे, उपकरण, प्रशिक्षकों एवं सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता की स्थापना सुनिश्चित करेगी। NASV 2020
टू भारत में एक सुरक्षित, किफायती, सुलभ, आनंददायक और टिकाऊ वायु खेल परिस्थिति की तंत्र प्रदान करके वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष खेल राष्ट्रीय में से एक बनाने की दृष्टि रखती है। बात करके इसके उद्देश्य के बारे में, तो देश में वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में वायु खेल उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नागरिक विमानन मंत्रालय। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।